यस वेलकम एवरीवन, सबका स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है आज के यह प्रोग्राम है, स्ट्रेस फ्री इंडिया मूवमेंट और तनाव मुक्त भारत अभियान, तनाव मुक्त सोसाइटी, स्ट्रेस फ्री सोसाइटी। तो यह अभियान हम करते हैं, यह अभियान में आप सबका स्वागत है और हमारा उद्देश्य है कि यह अभियान हर व्यक्ति तक पहुंचे और हर व्यक्ति स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। अंकित शर्मा, आपको क्या कहना है? अंकित जी बोलो। हेलो अंकित हाँ एवरीवन, गुड बोलो। इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग बोलो। सर। यस बहुत ही अच्छा विजन और मिशन लेकर हम लोग आए हैं। तो यस मैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ ओके और मैं एमपी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो मैं आपके साथ इस कंधे से कंधे मिलाने के लिए सहयोग को लेकर चलने वाला हूँ। बहुत तो बढ़िया। मेरा यही है कि आपका मार्गदर्शन सर मुझे मिलेगा डॉक्टर साहब। तो मैं एमपी में और जो भी हमारे जिले हैं हाँ उसमें आपके सपोर्ट के साथ मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यस तो ये हमको दुनिया में पहुंचाना है, पहले अपने देश में फिर बाद में दुनिया में। और अभी भी दुनिया के लोग आते हैं इधर उधर के, तो अभी कोई हम उनको ना नहीं बोलते हैं। तो आप बाकी भी बाहर के देश के लोगों को बुला सकते हैं, यदि आपके कांटेक्ट है उनको ये लिंक भेजो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आएंगे और इसका लाभ उठाएं। राइट गुड। प्रवीण जी आपको कुछ बोलना है? प्रवीण जी सर अभी ये जो अपना स्ट्रेस फ्री का जो कार्यक्रम है इसमें अपन जैसे अभी की लोगों को आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो उसको कम करने के उपाय या उसके कारण और उस सब उस पर क्या क्या अपन उपाय कर सकते हैं इसके बारे में हम सब ये कर रहे हैं। और यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए तो अच्छा रहेगा कि लोगों को हम बराबर। ट्रांसफॉर्म करेंगे। यस ओके गुड। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लोगों को स्ट्रेस आता है पैसे से, कि पैसा नहीं है और पैसा नहीं है करके स्ट्रेस आते रहता है लोगों को। पैसा कम है, पैसा जितना चाहिए उतना मिलता नहीं है, और कितना भी मिला तभी हमको पैसा कम ही लगता है। मतलब वो तो है ही, नेचुरल है वो हमारा एक एक मेंटल मेकअप ऐसा बना हुआ है कि पैसा कितना भी रहा तभी कम है। और पैसा मिलाने के लिए फिर स्ट्रेस लगता है, स्ट्रेस आता है, पैसा मिलाओ पैसा मिलाओ पैसा मिलाओ, उसके लिए स्ट्रेस आता है। कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि भाई 1 तारीख से 30 तारीख तक अपना चलाओ, 1 महीना भर चलाओ, तो वो सर्वाइवल मोड में रहते हैं। पैसा तभी करके सर्वाइव करना और अपना महीना 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पैसा भी करके पैसा चलाना और पूरना चाहिए। फिर 1 तारीख को फिर पैसा आएगा, फिर चलाएंगे, ऐसा कुछ लोगों का होता है। तो कुछ लोगों का ऐसा नहीं है, पैसा पूर जाता है महीना भर, ऐसे कोई राह देखना नहीं पड़ता, मगर कमाना पड़ता है पैसा। वो कमाना छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम है, कमाना पड़ेगा और कमाते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उनको इनकम आ रहा है, पैसिव इनकम, बहुत ही कम लोगों को पैसिव इनकम है ना। तो इसलिए फिर पैसा, पैसिव इनकम कैसा हो सके अपना, भाई आपके पास में करीब करीब आज के तारीख में, आज के तारीख में आपके पास में करीब करीब 1-4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए है। हाँ अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए है कि वो यदि आपके पास में है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छा, और वहां से आप पैसिव इनकम मिला सकते हैं जहां से आपका कार्यक्रम बराबर हो जाएगा। मतलब जो भी खर्चा आपको लगता है वो जाएंगे और आपको जिंदगी भर पूरेगा। एक थोड़ा हाइयर साइड हो तो 5 करोड़ रुपए होना, तो 5 करोड़ रुपए आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि जहां से आपको ऐसी भी इनकम मिलते जाएगा, पैसा आते जाएंगे और आपको काम करने की जरूरत नहीं है। और फिर तभी भी आप काम करेंगे, तभी भी आप काम करेंगे क्योंकि आपको काम करने में मजा आता है, इसलिए काम करेंगे, मजा आता है, एंजॉय करते हैं काम करते। फिर पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, मजा करते हैं काम करते करते, तो इसलिए आते हैं। तो ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने बोला था कि 5 पॉइंट बताऊंगा, 5 क्यों ज्यादा भी बताऊंगा यदि टाइम मिला तो, कि ऐसे कौन से 5 पॉइंट है कि जो हम टालते हैं या करते हैं उल्टा, उसके उसका उल्टे कर उल्टा करना पड़ेगा तो हमारे पास में पैसा ज्यादा आएगा। तो नंबर 1 का जो पॉइंट है वो है कि देखो, हमको जो
पैसा है ना वो फुकट नहीं मिलता है, फ्री नहीं मिलता है। देर इज नो फ्री लंच ऐसा बोला जाता है। फ्री लंच फुकट खाने में कोई देता नहीं है। देर इज नो फ्री लंच। बहुत ज्यादा सोना, मेरे पास में ऐसे लोग हैं कि लोग 9-9, 10-10 घंटे सोते हैं। एक्चुअली आदमी को 7 घंटे की नींद काफी है, 7 आवर्स स्लीप काफी है, 7 घंटा है ना इनफ है। लोग 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा लोग सोते हैं, तो सोने में टाइम गमाना, फिर सोने के बाद में और रेस्ट कर रहे, क्या कर रहे बोले रेस्ट कर रहे, उसमें टाइम गमाना, फिर मौज, बहुत मौज मस्ती करना, मौज मजा करना, मस्ती करना, इसमें जब आप टाइम गमाते हैं तो आपके पास में पैसा आता नहीं है। और आपको ये आदत जो है मौज मजे मौज मस्ती करो, मतलब ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब सब बैलेंस लाइफ होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मौज भी करना है, मस्ती भी करना है, मगर सिर्फ मौज मस्ती ही नहीं करना है, बैलेंस होना चाहिए। और बैलेंस यदि आपका रहा तो डेफिनेटली होगा। अभी इसके पास में मौज मस्ती में और आता है अपने पास में सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में फेसबुक में लोग टाइम गमाते रहते हैं, यूट्यूब पे टाइम गमाते हैं, व्हाट्सएप पे टाइम गमाते हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सब जगह लोग टाइम गमाते हैं। और एवरेज इंडियन 24 घंटे में से 4 घंटे अपना टाइम ये सोशल मीडिया में गमाते रहता है, हालांकि इतनी जरूरत नहीं है, है ना। मुझे एक ने पूछा अभी शाम को कि मैंने आपको एक मैसेज भेजा था तो आपने देखा नहीं क्या, मतलब मैं व्हाट्सएप देखता ही नहीं हूं, गलती से देख लिया है ना, तो व्हाट्सएप देखता नहीं मैं, फेसबुक देखता नहीं मैं, फेसबुक कितने दिन में देखा भी नहीं। मेरे फेसबुक के ऊपर पोस्ट रहते हैं, वो मैंने आदमी लगाया हुआ है कि जो अपना सोशल मीडिया का काम करेगा, मगर मैं कुछ फेसबुक में जाता नहीं हूँ, मेरा टाइम गमाता नहीं। तो ये जो टाइम जो है गमाने का, ये आदत हमको छोड़नी पड़ेगी। बहुत ज्यादा टाइम गमाना, बहुत ज्यादा टाइम खाने में लोग आधा आधा घंटा लगाते हैं, खाना खाने में आधा घंटा लोग लगाते हैं, एक एक घंटा लगाते हैं खाने में, बोले अभी खाने का टाइम है, बोले कब कॉल करूं, बोले 1 घंटे बाद कॉल करो, तो ऐसे से पैसा नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसमें से मैं जो आप बोल रहा हूँ, तो इसमें से आपको जस्ट क्या समझ में आया, जस्ट मैं अपना शेयर करवाने के लिए बोलता हूँ, किसको शेयर करने की इच्छा है आप शेयर कर सकते हैं। यस प्रतीक्षा पाटिल बोलिए। हाँ जी कांता जी बोलिए, कांता मैडम अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है अभी। हाँ अभी हो रहा है, बोलिए। हाँ जो आपने अभी बोला और आपने जो आपके SMS में भेजा कि जो 5 चीजें आप करते हो तो आपके पैसा 5 जितना भी पैसा है वो निकल जाएगा, तो जो आपने बताया कि ज्यादातर लोग टाइम, लोग यानी हम लोग के टाइम वेस्ट करते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मैं तो अभी रिटायरमेंट का ये एंजॉय कर रही हूँ लाइफ, तो ये मुझे इसका ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मैं सोती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 9-10 घंटे सो रही हूँ, पर फिर भी जब खाना खाने के बाद आराम करके मैं सोती हूँ तो वो और मेरे पास का पैसा निकल जाना, इसका क्या कनेक्शन आपको क्या लगता है ना? तो देखो कनेक्शन एक ही है कि जब आप सोते हैं, जब 7 घंटे नींद की जरूरत है, 7 घंटे नींद की जरूरत है, 7 घंटे से ज्यादा जरूरत भी नहीं है, अभी आप 9 घंटे समझो सोते हैं, 2 घंटा ज्यादा सोते हैं, 2 घंटा ज्यादा सोते हैं, तो पैसा तो आएगा नहीं। पैसा उतना कम, समझो आप 2 घंटा कम सोते हैं, उतना कम ज्यादा कमा सकते हैं, आपकी कमाने की इच्छा है तो जब आ नहीं रहा है तो पैसा तो जो आपके पास में वो तो जाएगा ही। नया देखो आपके पास में यदि नया आया नहीं तो जो है वो चले जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो वापरे जाएगा ना, जो है वो वापरे जाएगा। अच्छा, बढ़ेगा कब कि जो आप नया पैसा कमाते हो। ओके, आपने नया कमाया नहीं तो जो है वो चले जाएगा, है ना। और यदि आपका ये किसके लिए बोल रहा हूँ मैं, उसके लिए बोल रहा हूँ कि जिनको आपका रिटायर्ड लाइफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। वो इसके लिए बोल रहा हूँ मैं कि जिनका हैंड टू माउथ है। नहीं, हैंड टू माउथ तो सबका है, जैसे हमारा बिजनेस है तो हैंड टू माउथ ही है ना, बिजनेस तो चलाना ही पड़ता है। हाँ, तो फिर आपने यदि फिर यदि आप 7 घंटे से ऊपर सोते हैं, है ना, तो फिर जो पैसा है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। अभी समझ में आया कि जैसा 2 घंटा में अगर ज्यादा सोती हूँ तो वो 2 घंटे में मैं कुछ क्रिएट कर सकती हूँ, जिससे कि जो पैसा है मेरे पास
अगर 5 करोड़ है तो मैं वो कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि ज्यादा पैसा आएगा, ये सोच सकती हूँ मैं? yes. जब मैं सोती हूँ तो ये सोचना बंद हो जाएगा, बंद हो जाता है। यस ये आप रिलेशनशिप मतलब वो कर सकते हैं कि भाई कौन फाइनेंशियल एडवाइजर है। अब मैं कल मैं ऐसे एक वीडियो देख रहा था, मैं वीडियो देखता हूँ यूट्यूब के, कौन से देखता हूँ कि जो एजुकेशनल है ना, तो उन्होंने बोला कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स का वगैरह जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करो, उसमें आप कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा बढ़ेगा। तो ये आप सीखते हैं समझो 2 घंटे में कि फॉरेक्स का कैसा ट्रेडिंग करना है, क्या करना है, किस तरह का होता है ये, या क्रिप्टो करेंसी का चालू है वो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या चालू है भाई गांव में, है ना, दुनिया में चालू क्या है। वो जो बिटकॉइन जो है, जो 1 रुपए में 100 मिलते थे बिटकॉइन, 1 रुपए में 100 बिटकॉइन मिलते थे, आज 52 लाख रुपए का एक है या 45 लाख रुपए का एक है, तो कैसा हो गया हमको तो पता ही चला नहीं। बिटकॉइन आज 45 लाख रुपए का है, 52 तक गया बाद में वापस आया, 45 लाख रुपए का एक कॉइन है। हाँ हमको मालूम ही नहीं कब आयरन कब गया, हम तो सोते रहे। अच्छा यदि जिनके पास में एक बिटकॉइन है, मेरे को 2 व्यक्ति मालूम है जिनके पास में एक एक बिटकॉइन है और उन्होंने पहले से लेके रखा हुआ था, मालूम था, पढ़ाई किया था उन्होंने, है ना। अच्छा तो आपको मालूम है क्रिप्टो करेंसी के बारे में? क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है कि जो एक ये है वो सॉफ्टवेयर है, खरीद लिया? नहीं नहीं खरीद नहीं लिया, खरीद मैंने नहीं खरीद लिया, वो मेरी डॉटर इन लॉ करती है। हाँ, उसके थ्रू खरीदा है। हाँ पर मैं वो ही ना कि वो कर रही है, मैं क्यों करूँ, वो कर रही है, वो देख रही है, ऐसा आपको जरूरत नहीं है ना, तो जरूरत मत करो। नहीं नहीं ऐसा हाँ, तो वो यहाँ वो समझ में आया कि क्या कनेक्शन है इसका, कि ये 2 घंटे में मैं नहीं बाहर वीडियो से नहीं, वो उस डॉटर इन लॉ से मैं सीख सकती हूँ, 10 मिनट भी अगर उससे सीखा तो। ये अभी प्रेजेंट हो रहा है। या तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी जी। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट कि जो लोग, सेकंड पॉइंट, पहले मैंने बोला टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्टर्स, फिर दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, तो जो जो लोग ऐसे शब्द, कटु शब्द बोलते रहते हैं और लोगों को दुखी करते रहते हैं, तो वो उनके पास में पैसा टिकता नहीं। अब ये करके देखो आप क्या होगा, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत खराब हो जाएगी जब आप कटु शब्द बोलते हैं लोगों को, और रिलेशनशिप यदि आपकी खराब हो गई तो डेफिनेटली आपके पास में पैसा टिकेगा नहीं। ये आपको समझ में आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं यहां से। रंजना जी बोलिए, मैं जो बोला उसके ऊपर बोलो, मैं जो पॉइंट क्रिएट कर रहा हूं ना उसके ऊपर से। हाँ सर, मुझे एक शब्द ये बोलना था कि जैसे आपने सर बताया फर्स्ट पॉइंट कि हम सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं आता, तो सर अगर हम इसी कंसर्न को सर बच्चों के उसमें देखें, बच्चों के मामले में, तो सर उनको भी जैसे हम बोले कि तुम प्लीज ये मत करो और इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम आगे परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो सर इसके लिए कॉन्टेक्स्ट कैसे कैसे क्रिएट करना है सर, प्लीज इस पे थोड़ा सा। देखो किसी को ये मत करो वो मत करो ऐसा बोलने से कोई रुकता नहीं है जी, है ना? बच्चों को ये मालूम है कि भाई अपन टाइम पास कर रहे हैं, इसमें पबजी खेल रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं, तो अपना टाइम जा रहा है, उनको मालूम है, सब पता है सबको। वो क्यों करना है वो कॉन्टेक्स्ट आपने क्रिएट करना है कि क्यों करना है। जैसा मैंने बताया, जैसा भी कांता जी ने अभी शेयर किया, कांता मैडम ने पहले शेयर किया ना, तो मैं 2 घंटा कम सोती हूँ, 2 घंटा में कम सोती हूँ तो उसमें मैं कुछ नया सीखती हूँ, और ये नया सीखती हूँ तो मुझे पैसा मिलेगा। तो अभी नींद कम लेने का या कम सोने का कॉन्टेक्स्ट तैयार हो गया। क्या कॉन्टेक्स्ट तैयार हो गया कि भाई मैं कम सोऊंगी तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, अभी सोएंगे नहीं हूँ है ना, ये तो फिर क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, सोए तो सोए अपने को पैसा कमाने का ही नहीं है तो वो सोएगा। आपको समझ में आ रहा है? तो बच्चे को जब आप बोलते हैं कि तुम टाइम पास मत करो फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर टाइम पास मत करो, फिर क्या करो भाई, तो पढ़ाई करो। पढ़ाई क्यों करो, पढ़ाई क्यों करना चाहिए, उनके साथ में बातचीत करो ना, क्यों करना चाहिए पढ़ाई, क्या कारण है पढ़ाई करने का, है ना। जब उनको पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं मेरे को है ना पुलिस बनने का है, छोटे बच्चे बोलते हैं मेरे को IPS ऑफिसर बनने का, मेरे को SP बनने का है, मेरे को कलेक्टर बनने का, मतलब चलो मेरे को मिलिट्री में जाने का है, मेरे को डॉक्टर बनने का है,
अभी मेरी 4 साल की मेरी ग्रैंड डॉटर है, 4 साल की है ना, बोलती मेरे को डॉक्टर बनना है तुम्हारे जैसे, वो 4 साल की है, बोल रही मेरे को डॉक्टर बनने का है। अब उसको मेरे को बोलना ही पड़ेगा नहीं पढ़ाई कर कर, क्योंकि उसका गोल फिक्स हो गया डॉक्टर बनने का, उसको मालूम है कि डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब 4 साल की बिल्कुल बोलती मेरे को आंखों का डॉक्टर बनना है, अभी से बोल रही है, स्पेशलाइजेशन भी बोल दिया उसने। अब मेरे को बोलना ही पड़ेगा नहीं क्यों पढ़ाई कर, नहीं क्या उनको बोलना नहीं पड़ता स्कूल में जाओ, रोती नहीं है स्कूल में जाने के लिए, क्योंकि मालूम है उसको बोलते तेरे को डॉक्टर बनना है जाओ स्कूल में जाओ, चलो अभी ऑनलाइन चलो ऑनलाइन बैठो मस्त बैठे। अब समझ में आ रहा है? यस। तो सेकंड टाइम मैंने बोला कि जो लोग कटु शब्द बोलते हैं, कटु शब्द मतलब कड़वे शब्द बोलते हैं, और बहुत लोगों को कड़वे शब्द उसको बोलते हैं सार्कास्टिक कमेंट करने की, सार्कास्टिक कमेंट मतलब दिल को बुरी लग जाएंगी ऐसी कमेंट लोग बोलते हैं, है ना, तो वो लोग कभी पैसा नहीं कमा सकेंगे, उनका भी पैसे का नाश होता है। और ये मैं जो ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ना कांता मैडम, हेलो कांता मैडम, ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं, ये सब आचार्य चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में बताया पॉइंट है ना, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य जी ने पॉइंट बताया है, वहां से मैं आपको ये सिखा रहा हूं, है ना, ठीक है क्लियर। तो कटु शब्द बोलने वाले जो लोग है, यस प्रभाकर जी बोलिए ये पॉइंट के ऊपर, प्रभाकर वाकड़े। सर सर मुझे ये ओपन हुआ कि मैं बहुत बार कटु शब्द बोलता हूँ ऐसे मेरे दोस्त लोग बोलते, दूसरा कि सार्केस्टिक मेरा स्वभाव है जैसा शीतल बोलता है बहुत लोग बोलते हैं, तो इसको लेकिन इसको कैसा करना है ये मुझे समझता है कि नहीं बोलना चाहिए, फिर भी वो एक आदत हो गई और अनजाने में जानबूझ के बोला जाता हो मजाक मजाक में, लेकिन उसके इफेक्ट बहुत डेंजर हो जाते हैं, रिलेशन खराब हो रहे, इसके लिए इसको कैसा कंट्रोल किया जाए। हाँ, एक तो क्या है कि आप उसका इम्पैक्ट लो, इम्पैक्ट प्रभाव, इम्पैक्ट शब्द में कटु बोल दिया किसको तो अपने आप को क्या पनिशमेंट दूंगा तो तय कर लो क्या देंगे पनिशमेंट। पनिशमेंट उसको उसके पास जाके उसके चरण छूंगा जो मेरे मेरे स्वभाव को नहीं मेरा ईगो को हाँ, सहन नहीं होता, लेकिन मैं उसको हाँ, माफी मांगूंगा, माफी मांग ठीक है कर सकते हो, सॉरी भाई मेरे को लगता कि मैंने आपका दिल दुखाया है, मैंने ऐसा करना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, मैं आपके आपको मन से माफी मांगता हूँ, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, तो आप सॉरी मांग सकते हो, उसको सॉरी बोल सकते है ना। हाँ वो मेरे स्वभाव को पटता नहीं। हाँ, और सॉरी बोलना कोई गलत नहीं है, है ना, सॉरी बोलना कोई गलत नहीं है, हमको लगता है कि नहीं नहीं हमारी इज्जत का सवाल है हम सॉरी कैसे बोलेंगे, नहीं गलती किया है सॉरी बोल दो, है ना सॉरी बोल दो ना। कल ही मैंने कल मैं कहीं तो भी पढ़ रहा था देख रहा था, तुमने बोला कि अमेरिकन लोग और ब्रिटिश लोग दिन में कम से कम 10 बार सॉरी बोलते हैं अलग अलग टाइम पे, है ना, उनको मतलब वो गलती करते रहते सॉरी बोलते सॉरी सॉरी, मतलब उनको पछतावा होता है उसका, हम सॉरी बोलते नहीं है, हमको बुरा लगता है सॉरी बोलने के लिए भी बुरा लगता है, हमको बुरा लगता है सॉरी कैसे बोलेंगे, तो सॉरी बोलना कोई गलत नहीं है, गलती होगी तो सॉरी बोलो क्या प्रॉब्लम है। ओके। और गलती गलती है मैं तो ये बोलता हूँ, गलती है तो सॉरी बोलो और गलती नहीं है तभी सॉरी बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये सेकंड पॉइंट मैंने बोला आपको कि जो लोग कटु शब्द बोलते हैं, कटु शब्द बोलना, और कटु शब्द आप बोलते हैं तो सॉरी बोल दो, और आपकी गलती है तो सॉरी बोलो, आपकी गलती नहीं है तभी सॉरी बोलो, क्योंकि वो सामने वाला बोल रहा है कि आपने गलती की हुई है तो उसका ये मत करो। एक मिनट प्रभाकर जी, हाँ हाँ जी प्रभाकर जी, सामने वाला समझो तो, अभी समझो अभी आपने मुझे बोला है कि भाई मैंने आपका मन दुखाया हुआ है, मुझे लगता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपका मन दुखाया, मगर आप बोल रहे हैं कि आपका मन दुख गया, आप मेरे को बोल रहे हैं, मुझे लगता नहीं भाई मैंने दुखाया करके, मगर आपने बोल दिया तभी मैंने बोलना चाहिए ओके सॉरी थैंक यू गॉड, है ना, सॉरी बोलना चाहिए ठीक है भाई मैंने आपका मन दुखाया सॉरी, ठीक है ना गुड ओके। तो ये आपको समझ में आया, हम जाएंगे तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट जो है कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा
तो उनके पास में भी पैसा टिकता नहीं, ऐसा आचार्य चाणक्य जी बोलते हैं। बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग, तो बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग मतलब जिनके आप, हम बोलते ना पेट में बिल्कुल कुछ भी रहता नहीं है, सब बोल देंगे फटाफट, पेट में कुछ रुकता ही नहीं इनके, मतलब जैसा वाचा, बहुत वाचा रहते, बोल देते फटफट फटफट बोल देंगे, मन में कुछ रखेंगे नहीं, जो मन में आया वो बोलते जाएंगे, कुछ सीक्रेट है वो भी बोलते जाएंगे, और उनके कोई सीक्रेट बोलेंगे गुप्त रखेंगे नहीं मन में। और फिर उसमें क्या होता है, जब जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनकी कीमत नहीं रहती, उनको लोग कुछ भाव देते नहीं, फिर बोले बहुत ही ज्यादा बोलते रहता है, उसका बात भी बहुत चीप है और उसमें कोई मजा नहीं है, तो उसको चीप टॉक करके छोड़ देते हैं, उसको कीमत देते नहीं है। तो इसलिए हमने हरदम कम बोलना चाहिए, टू द पॉइंट बोलना चाहिए, और कम से कम बोलना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। तो कम से कम बोलना है, क्योंकि वाचा जो लोग है ज्यादा बोलने वाले, उनका रिस्पेक्ट भी रहता नहीं, उनका रिस्पेक्ट भी रहता नहीं है, तो ज्यादा नहीं बोलने का है, कम से कम और टू द पॉइंट। ऐसा शब्द होना चाहिए कि आपका शब्द सुनने के लिए लोगों ने तरसना चाहिए, बोले ज्यादा बोलता नहीं है मगर जब बोलता है तो बहुत मतलब का, बहुत पॉइंट का बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलता है, तो लोगों ने शब्द सुनने के लिए तरसना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बड़बड़ 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 जो चालू रखते हैं और लोग सुनते भी नहीं। राइट, यस, ये पॉइंट के ऊपर किसको बोलना है, क्या पहले एक बार हाथ नीचे कर डालो सबके, और फिर ये पॉइंट के ऊपर किसको बोलना है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अनम्यूट करने के लिए मौका देता हूँ। इसके ऊपर बोलना है, ये पॉइंट के ऊपर किसको, गौरव। हेलो सर। हाँ अच्छा। बोलो गौरव, गौरव जैन बोलिए, गौरव जी। हाँ प्रवीण वर्मा जी आप बोल रहे थे, बोलो, आपको होस्ट किया है मैंने। सर ऐसा बोला जाता है मराठी में कि शब्द है शस्त्र है जपून वापरा। हाँ। तो सर अपने जो शब्द है एक शस्त्र का काम करते हैं, वो हमको बहुत बहुत सोच समझ के उसका उपयोग करना है। अगर जैसा आपने पहला पॉइंट बोला था कि जो लोग कटु बोलते हैं और लोगों को दुखी करते हैं तो उनके पास पैसा नहीं टिकता, तो सर जो मीठा बोलता है उसके फुटाने भी बिक जाते हैं और जो कटु बोलता है उसके हीरे भी नहीं बिकते, ऐसा बोला जाता है सर, मन है यही बोला जाता हूँ। यस यस, हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर रोहित बोलिए, डॉक्टर रोहित थापर, वीडियो चालू करो। हाँ सर, सबसे पहले आपको प्रणाम, दर्शन दर्शन। हाँ सबसे पहले आपको गुड इवनिंग प्रणाम। यस यस, हाँ गुड इवनिंग प्रणाम सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बोलिए, आ रही है आवाज? यस जी जी। तो सर इसमें इसमें दोनों बातें हैं सर, एक तो जो कड़वा बोलने के ऊपर है, रहीम दास जी ने बोला है कि खीरा काटिए मुख से घसीये नोन लगाए, रहीमन कड़ुए मुखन को चाहत यह सजाए। मतलब अपने शास्त्रों में तक बोला गया कि जो कड़वा बहुत ज्यादा बोले तो उसको समाज में दंड मिलता, इसलिए आदमी को किसी के काम करे ना करे मुंह से मीठा अवश्य होना चाहिए। यस, इतना मैंने अतिशयोक्ति व्याख्या की गई, इतना बुरा माना गया समाज में कड़वा बोलने वाले को। यस, इसलिए जो आप बोल रहे हैं हमें कड़वा बोलने से बचना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यस, और इसके अलावा ज्यादा बोलने के ऊपर भी है कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। मतलब जैसे अपन पुराने जमाने में अच्छा आदमी बोलता था तो राजा इनाम में हाथी देता था, मतलब जो भी अच्छा बोलता है उसको इनाम में, मैंने समाज उसको आंखों पर बैठाता है, और जो अच्छा नहीं बोलता रहीमन हाथी पाओ, उसको हाथी के पाओ में दबा दिया जाता, समाज में मतलब उसकी तरक्की नहीं होती। और बढ़िया जो आप बोल रहे हैं बड़वादीपन अति बोलना, वो भी व्यर्थ है, उससे भी लोग मैंने इरिटेट हो जाते। यस गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इसके अलावा सभी से यही निवेदन है कि डॉक्टर साहब ज्ञान के भंडार हैं, आप लोग उनको शिद्दत से सुने समझे तो चीजें धीरे 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 समझ में आती जाएंगी। Yes. आदमी अच्छाई के रास्ते में कभी चला नहीं, टाइम पास फेसबुक इधर उधर करता है, जब अच्छी चीजें ग्रेस्प करेगा धीरे धीरे दिमाग आपका कैच करने लगेगा। Yes. इसलिए आप ध्यान पूर्वक बातें सुने डॉक्टर साहब की, यही सही से निवेदन है, और सभी को नमस्कार। यस थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। तो ये जो आप बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर रोहित थापर है ना, आप जयपुर से है ना, कहाँ से, मैं भूल गया आपसे, गाइए करो है, आप जयपुर से है ना, राजस्थान से है ना, अनम्यूट करो। हाँ ओके ओके ठीक है। तो ये जो है ना, अभी डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे वो, हम हर गुरुवार को 8:15 और हर शनिवार को 8:15 सेम लिंक रखते हैं, हम सेम लिंक रहते हैं, गुरुवार को भी वही लिंक है, शनिवार को भी वही लिंक है। और मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको देता हूँ, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों को ज्वाइन करो, और ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। क्योंकि ये क्या होता है कि आपको शायद मैं जो बोलता हूँ वो मालूम होगा, मगर जब हम चर्चा करते हैं तो चर्चा के माध्यम से ज़्यादा दिमाग में अंदर घुस जाता है जब चर्चा करते हैं। तो इसलिए चर्चा के माध्यम से जब अंदर घुस जाता है, अच्छा बिल्कुल, तो वो करना जरूरी है। तो हमने अभी तक 3 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट देखा हमने कि जो लोग टाइम पास करते हैं, टाइम वेस्टर जो है, ज़्यादा टाइम पास करने वाले, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टाइम पास, ज़्यादा नींद, 9-10 घंटे सोने वाले लोग मेरे को मालूम है, लोगों को 1.5-2 घंटा दोपहर की नींद होना बहुत जरूरी होती है, रात को 7-8 घंटे सोते हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं, बहुत आराम करते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, कोई कुछ काम हो गया तो 8 दिन एंजॉयमेंट करेंगे, 8 दिन एंजॉयमेंट चालू है। तो ऐसे लोग, इनके पास में पैसा टिकता नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो लोग कटु शब्द बोलते हैं, कड़वे शब्द जो बोलते हैं, उनके पास में लोगों को दुखाते रहते हैं, लोगों को दुखी करते हैं, उनके पास में टिकता नहीं है। नंबर तीन जो है, जो ज्यादा बोलने वाले जो लोग हैं, उनके पास में पैसा टिकता नहीं है। हाँ एक ठीक है ना। चौथा पॉइंट अभी मैं बता रहा हूं, चौथा पॉइंट जो है कि जो लोगों का इंसल्ट करते हैं, वो लोगों के पास में पैसा टिकता नहीं। जो लोगों का इंसल्ट करते हैं, वो लोगों के पास में पैसा टिकता नहीं है। जब आप लोगों का इंसल्ट करते, कोई कारण से नीचा बताते हैं, कुछ भी कारणों का इंसल्ट कर देंगे, उनको नीचा बताएंगे, उनको मतलब ऐसे कुछ तो भी बोल देंगे, उनको एकदम मतलब अपमान कर देंगे, कहीं भी सबके सामने अपमान कर देंगे, उनका ईगो हर्ट हो जाएगा ऐसा बोलेंगे, तो उनके पास में भी पैसा टिकता नहीं है। लोग, वो लोग जो है जिनके पास में, मतलब जो लोग ऐसा करते हैं कि लोगों का इंसल्ट करते रहते हैं, उनके पास से पैसा निकल जाता है और वो गरीब हो जाएंगे। तो कभी भी आपने ये देखना है कि भाई मैं लोगों का इंसल्ट करूंगा नहीं, आपने आज मतलब ये प्रतिज्ञा करना है कि लोगों का इंसल्ट नहीं करने का है। आप लोगों को बिना इंसल्ट करते हुए भी आप उनको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, आप उनको बिना इंसल्ट करते भी जो भी उनको सिखाना है वो सिखा सकते हैं। मगर आप एक, मैं सिखा रहा हूं तुमको अभी, मेरा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, ऐसा बोलेंगे तो कोई सुनता नहीं, आप कोई सुनेगा नहीं, मगर आप उसको मान देंगे, सम्मान देंगे, उसको बोलेंगे। तो आपने हरदम कभी भी किसी के साथ में बात करने के समय दो शब्दों का वापर करना चाहिए, वो शब्द है एक है प्लीज, प्लीज, और दूसरा है रिक्वेस्ट। प्लीज, प्लीज मैं आपसे ये बात कर सकता हूँ क्या, क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मुझे आपको रिक्वेस्ट करनी है, मेरे को आपको विनंती करनी है, तो आप विनती कर रहा हूँ मैं आपको, प्लीज क्या आप ये काम करेंगे, तो शब्द ये वापरेंगे तो किसी का इंसल्ट होगा नहीं, किसी को डायरेक्शन दिया तो अच्छा लगता नहीं, इसको आदेश दिया तो अच्छा लगता नहीं। आदेश कहाँ मिलता है, आदेश पुलिस डिपार्टमेंट में चलता है, मिलिट्री में चलता है, जहाँ शिस्त है, डिसिप्लिन, वहां आदेश चलता है, बाकी जगह आदेश चलता नहीं है। मैं मेरे पत्नी को भी आदेश देता हूँ ना, मानती नहीं हो, मैंने बोला मेरे को चाय करके दो, मानती नहीं, बोले मैं नहीं करती, आदेश दिया तो मतलब बोले प्लीज चाय करके देंगे क्या, बोले यहाँ ठीक है देती हूँ, क्योंकि मैंने प्लीज चाय करके दो ऐसा बोला। सुनीता जी हंस रही है, सुनीता जी बराबर है कि नहीं, सुनीता जी अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको, अनम्यूट करो। हाँ जी बोलिए। नहीं सर, आप एक तो पॉइंट बोल रहे हो, बहुत सही बोल रहे हो। हाँ ऐसा ही होता है। हाँ आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस है सर कि ना अपन नहीं करते सामने वाले के इंसल्ट,
पर सामने वाला अपनी इंसल्ट करे तब अपन क्या करो। हाँ सामने, ये बहुत बढ़िया बात है कि सामने वाला अपना इंसल्ट करो तो अपन ने क्या करना चाहिए। हाँ सामने वाला क्या करेगा वो अपने हाथ में नहीं है, नहीं है वो तो पता है, कंट्रोल में नहीं है, करना चाहिए। हाँ नहीं वो अपने कंट्रोल में है नहीं, हमने वो अपने कंट्रोल में नहीं है। महात्मा गांधी जी ने ये बोला था कि नोबडी ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ कैन मेक मी एंग्री और कैन इंसल्ट अनलेस आई हैव गिवन परमिशन टू हिम। मतलब इसका होता है कि ये दुनिया का कोई भी आदमी मेरा इंसल्ट कर नहीं सकता, मेरा अपमान कर नहीं सकता, मुझे गुस्सा दिला नहीं सकता जब तक मैं उसको परमिशन नहीं देता। तो मेरा इंसल्ट कोई कर ही सकता नहीं क्योंकि मैं इतना बड़ा हूं कि मेरा इंसल्ट करने का कोई कारण नहीं, किसको मैंने परमिशन दी नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि हाथी चले बाजार, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भूखे हजार, है ना। तो आप इतने बड़े हो जाओ हाथी जैसे कि आपका इंसल्ट किया तो क्या फर्क पड़ता है आप, और इंसल्ट कौन करेगा, इंसल्ट कौन करेगा, जो आपसे नीचा है वही आपका इंसल्ट करता है, ऊपर वाला तो इंसल्ट करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अपमान जो है इंसल्ट वो करेगा, कोई भी करेगा, मगर उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इस तरह मैं अपने को तैयार करता हूं तो क्या फर्क पड़ता है इंसल्ट किया, और इंसल्ट किया इसका मतलब मैंने उसका अपेक्षा भंग किया है, उसको जो चाहिए वो मैंने दिया नहीं है, उसकी जो अपेक्षा है वो मैंने पूर्ति की नहीं है सामने वाले की, उसका ईगो हर्ट मैंने किया हुआ है, मतलब उसको जो भी चाहिए वो मैंने दिया नहीं। तो आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है आप मेरा इंसल्ट कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे आप मेरा इंसल्ट कर रहे हैं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है मेरे से गलती हुई होंगी, तो आप मुझे प्लीज मेरे से रिक्वेस्ट है प्लीज क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरे से क्या गलती होगी, तो क्या होगा फिर सामने वाला पिघल जाएगा, बोलेगा क्यों गलती होगी क्या गलती होगी, हम सुधारेंगे भाई हमारी गलती है तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, वो बोल रहा है कि तुम्हारी गलती हो गई सुधारो, सुधारेंगे ठीक है गलती हो गई। और ये दुनिया में ये सृष्टि में ये परिस्थिति में कोई भी गलत नहीं है और कोई भी सही नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से सही है, हर व्यक्ति। तो उसको लगता है कि मैं सही हूं, मुझे लगता है कि मैं सही हूं, तो फिर क्या है, उसको लगता है कि मैं गलत हूं और मुझे लगता है कि मैं सही हूं, बस खलास काम। तो ये प्रॉब्लम हरदम का होता है, ठीक है ना। मेरी ऐसे रिक्वेस्ट है आप सबको, सब कमेंट्स डाल रहे लोग ये कैसा होगा आगे कैसा होगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जो लोग नए नए ज्वाइन हो गए उनके लिए भी, भाई आप लोग शनिवार को भी आइएगा, शनिवार को भी हम यही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और यही टॉपिक को कि अभी खत्म होते आ रहा है समय हमारा, 9:15 खत्म करते हैं कार्यक्रम है, एक घंटा कार्यक्रम चलता है 9:15 और 9:15। और व्हाट्सएप ग्रुप की मैं लिंक दे रहा हूँ अभी, ये व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक में आप ज्वाइन हो जाओ, और वैसे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ उसमें भी आप ज्वाइन हो जाओ, और आप ही नहीं आप लोगों को भी ज्वाइन करो और अपने कैलेंडर में मार्क करके रखो कि हमको 8:15 गुरुवार को और 8:15 शनिवार को आने का है। तो क्या होगा, आपको एक के पीछे एक ये प्रोग्राम मिलते जाएंगे, और आप कंजूसी नहीं करना है, आप मतलब ही नहीं होने का है, आपने अकेले आने का नहीं है, सबको लाओ, आपके दोस्तों को लाओ, आपके परिवार के लोगों को लाओ, सबको इसमें लाओ ताकि सब लोगों को ये मिलेगा, ठीक है। यस प्रभाकर जी आपका हाथ ऊपर है, फिर से बोलिए प्रभाकर। सर इनकम्प्लीट रखा ना, 2 पॉइंट बता देना आगे के, चौथा पांचवा बताया ना, चौथा पॉइंट मैंने बोला कि इंसल्ट लोगों का इंसल्ट नहीं करना है, अपमान, चौथा पॉइंट बताया मैंने, फिर से बता रहा हूँ। पहला पॉइंट बता रहा मैंने, पहला पॉइंट यह है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्टर। नंबर दो मैंने बताया कि कटु शब्द मत बोलो, है ना, कड़वे शब्द लोगों से मत बोलो, ये जो शब्द कड़वे बोलते हैं उनसे पैसा निकल जाता है। नंबर तीन मैंने बोला कि ज्यादा बोलने वाले लोगों के पास में पैसा टिकता नहीं, ज्यादा बोलने वाले लोगों के पास में पैसा टिकता नहीं है, उनकी कीमत रहती नहीं है, उनका रिस्पेक्ट नहीं रहता है। नंबर चार का पॉइंट मैंने बोला, लोगों का अपमान होगा ऐसा कुछ भी मत करो।
और उसके साथ साथ ये पॉइंट मैंने और एक पॉइंट बोला कि हर बार जब आप किसी से बात करते हैं तो किसी को ऑर्डर मत दो, किसी को ऑर्डर देने का नहीं है कि ये करो वो करो, हरदम ये बोलना है प्लीज प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट, ये काम करेंगे आप तो आपको बहुत थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस गौरव जैन बोलिए, आप क्या, आपका हाथ ऊपर है गौरव जैन जी। सर हाँ बोलिए। जैसे क्या होता है सर, जैसे बड़े लोग जो रिच फैमिली के लोग होते हैं, जैसे कोई वर्कर उनके यहाँ काम करता है तो क्या वो लोग कभी कभी इंसल्ट कर देते हैं, तो वो इंसल्ट करना सही रहता है कि गलत है? अभी मैंने क्या बोला अभी मैंने क्या बोला अभी आपने ये बोला था कि इंसल्ट नहीं करना चाहिए किसी की कभी किसी की, है ना, है ना। और अपन तो ने एक... और अपन ने क्या करना है, ऐसे क्या ऐसे किया था। एक बार चाणक्य जी भिक्षा के लिए नंदकुमार राजा के यहाँ गए थे, तो नंदकुमार राजा ने उनकी चाणक्य जी की निंदा की थी और मतलब इंसल्ट से की थी, तो चाणक्य जी को मन में के वो आ गया था इसके अगेंस्ट कोई एक राजा खड़ा करूंगा तो इसको पराजय कर दूंगा। तो एक इससे क्या छोटे व्यक्ति को एक वो भी मिलता है कि अपने को करना है इसको। अभी अभी छोड़ो, अपन क्या करेंगे, आप क्या करो, आप अपने लाइफ का देखो। अच्छा, अपन दुनियादारी की बात करते जाएंगे ना तो अपने को एक रात पूरी खत्म हो जाएंगी, अपने को पूरी है ना। तो सही है। हाँ, तो अपन दुनियादारी की बात ही करेंगे नहीं, अपन अपना देखो कि भाई अपने को क्या करना है, तो आपने कैसा करना है, मैंने कैसा करना है, ये अपन चर्चा कर, हमने कैसा बिहेव करना है। अच्छा, ये बताइए जैसे कोई हमारी इंसल्ट करे तो मैं उस समय मतलब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने आपने बोलना चाहिए सॉरी भाई आपने मेरा इंसल्ट किया है मगर मुझे बहुत दुख लग रहा है, मैंने भी बताया ना मुझे बहुत दुख लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इंसल्ट हो गया, मगर आप मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज क्या आप मुझे बताएंगे कि मैंने क्या गलती किया, मुझे इंसल्ट हो गया ऐसा मुझे लग रहा है, क्या बताएंगे कि मैंने क्या गलती किया, मैं सुधारूंगा, मेरा इंसल्ट हो गया ऐसा मुझे लग रहा है, आप बताइए मैंने क्या करना है। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ वैसे गलती हो गई आपके हिसाब से, है ना, बराबर है कि नहीं, मैं फिर दोबारा ये गलती नहीं करूंगा भाई, दोबारा नहीं करूंगा गलती, तो क्या हो जाएंगे आपके आपके रिलेशन ऐसे हो जाएंगे उसके साथ पक्के हो जाएंगे, है ना। यस, थैंक यू, थैंक यू। और पांचवा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारे पंतप्रधान जी बोलते रहते हैं, स्वच्छता मुहिम, स्वच्छता और पवित्रता, पवित्र वातावरण में हरदम काम करना चाहिए और स्वच्छ वातावरण में हमने काम करना है, ऐसा होना चाहिए कि चटचकाट एकदम, जहां भी आप रहते हो वहां एकदम क्लीन और नीट और ग्रीन, जहां भी आप काम करते हो वहां क्लीन नीट ग्रीन, ये तो ऐसा दिखता है कि टेबल है, बहुत बड़ा टेबल है आपका काम करने का, वहां इधर से फाइल पड़ी है, इधर से फाइल पड़ी है, बहुत सारे कागज है, पुराने कागज, खराब कागज, फाइलें पड़ी है, घर में ऐसा सामान पड़ा है कि जो हमने दो दो साल तीन तीन साल वापरा नहीं है, तो नीट और क्लीन। तो ये हफ्ते में या अभी शनिवार को हम मिलने वाले हैं, तब तक एक मुहिम रहा, ये मुहिम चलाओ। मुहिम ऐसी है कि आपने पिछले तीन साल में आपने जो भी चीज वापरी नहीं है, जो भी चीज वापरी नहीं है पिछले तीन साल में, उसका कुछ तो भी कर डालो, किसको दे दो जिसको काम में आएगा, डोनेट कर डालो, है ना। जो तीन साल में कपड़े पहने नहीं है उसको रख के क्या करेंगे, जो तीन साल में बर्तन वापरा नहीं उसको क्या करेंगे, सिर्फ रिकॉर्ड्स अपने जो है रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स वो रखना है, लाइसेंसेस रिकॉर्ड सर्टिफिकेट्स मतलब जो इंपॉर्टेंट कागज है वो अपने को रखना पड़ेगा, इनकम टैक्स का अपने को 6 साल तक रखना पड़ता है कागज, मगर बाकी जो चीज है घर की कि जो हमने वापरी नहीं, कितने सारे बर्तन होंगे, कॉपर के बर्तन है, पीतल के है जो हमने वापरे नहीं है, ऐसे कोई चीजें है कि जो हमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ है, ऐसे पड़ी है, सब निकालो और साफ सफाई करो। जब आप साफ सफाई कर देंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। काफी सारे ऐसे होंगे किताबें आपने पढ़ी नहीं है, 3 साल से हाथ ही लगाया नहीं, दे दो जिसको, कोई लाइब्रेरी में डोनेट कर दो, वहां काम में आएंगी, है ना। हमारे यहाँ अभी ये कोरोना में बंद हो गया, हमारे यहाँ एक ऐसा उन्होंने कलेक्टर ऑफिस के पास में एक ऐसा वॉल खड़ा कर दिया, बड़ा वॉल, और आपको जो भी चीज नहीं है, नहीं चाहिए, वो वहां जाके दे दो, जो भी चीज नहीं चाहिए वहां जाके दे दो, फुकट में दे दो, वहां फ्री में, तो वहां जमा करते थे
और जिसको चाहिए वो आके वो ले जाता था फ्री में, है ना। इसको तो भी काम में तो आ रही है, जो हमको काम में नहीं वहां जाके रख दिया, जिसको काम है वहां से लेकर जा रहा। तो ऐसा एक अच्छा उपक्रम, सोशल उपक्रम उन्होंने चालू कर दिया कि जिससे बहुत अच्छा लोगों को जिनको काम में आ रहे उनको मिल जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में बर्तन नहीं है खाना पकाने के लिए, अपने घर में बर्तन पड़े हुए जिसको अपने 3 साल से वापरा भी नहीं, रख के क्या करेंगे, दे दो किसको। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब ये नई अनवांटेड चीजें निकाल देंगे, अनवांटेड कपड़े है, आपने शादी में कपड़े सूट पहना होगा ना, अभी हमको आता भी नहीं, अभी हो अभी मोटे हो गए शादी का सूट, अभी पैसा पड़ा है, शादी हो गई 30 साल, शादी का सूट वैसे पड़ा है, अभी निकाल दो उसको, दे दो किसको तभी। अपने चप्पल जूते पड़े है, ना, निकाल डालो, जो आप पहनते नहीं होंगे तो, पहनते होंगे तो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो 3 साल से वापरा नहीं उसको, इसका क्या होगा, नीट और क्लीन, रोज अपना जो मकान है घर है वो क्लीन, और फिर अपना मकान क्लीन करके घर के बाहर खराबी नहीं करना है, वो बराबर डस्टबिन में डालना है या जहां डालना है वहां डालना है कि जहां से कॉरपोरेशन की गाड़ी आके जमा कर लेंगे। तो ये आप करते हैं तो वहां लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास होता है, ऐसा चाणक्य जी बोलते, लक्ष्मी और सरस्वती का वास रहना होता है जहाँ स्वच्छ और पवित्र वातावरण रहता है, तो वो होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसमें और किसको शेयर करना है, नाजिम भाई है, यस नाजिम बोलिए, आपको मैं अनम्यूट करने का मौका दे रहा हूँ, नाजिम को करो, नाजिम बोलिए, यस नाजिम नहीं है, अजीत हेलो, हाँ बोलिए, वीडियो चालू करो, वीडियो बंद करो, अजीत कुमार यादव, अजीत कुमार यादव बोलिए, अजीत कुमार वीडियो चालू करो, बंद करो उनको, जिनके वीडियो चालू है ना उनको हम बोलने का मौका देंगे। चलो चलो नैना बोलिए, आपका आवाज नहीं सुना बहुत दिन से, नैना बोलो, हाँ आपको अनम्यूट करो, अनम्यूट। हेलो सर, नमस्कार, हाँ बोलिए, नमस्कार सर, आपने जितने भी पॉइंट्स बोले हैं वो ट्रू है और सच में हो, जितने भी मतलब बोले है ना एकदम सही है। जो इंसान ज्यादा बात करता है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, बोलते ना खाली बर्तन बचते रहता है तो उसकी कोई डिमांड नहीं, वैल्यू नहीं रहती उसको, भरा हुआ बर्तन वो वजनदार होता है, उसका वजन होता है सोसाइटी में। और आपने जो महात्मा गांधी का जो बताया था कि जो मीन्स जो लोग हम बाहर के लोगों को चेंज नहीं कर सकते, हमें अपने आप को चेंज करना है, उन्होंने भी एक कहा था कि फर्स्ट दे लाफ एट मी, दे फाइट विथ मी, देन आई विन। मतलब वो हमें पहले चिढ़ाएंगे, झगड़ा करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, फिर हमने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया तो समझ जाने का हम लोग जीत गए, वो हमें चिढ़ाने के लिए ही मतलब ये करेंगे कुछ लोग। तो ये सब बोला है तो ये सच में ट्रू है, और स्वच्छता का भी जो बोला है वो भी, जितना स्वच्छ रहेगा उतना हमें अंदर से हैप्पी फीलिंग रहती है और हमें हेल्दी मतलब अच्छा लगता है, सब पॉइंट्स आपके ट्रू है। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर अशोक ओळंबे हमारे मित्र है, यहाँ के बहुत बड़े लीडर है अकोला के, अशोक ओळंबे पाटिल सर, बोला बोला अशोक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट अनम्यूट करो अपने आपको, अनम्यूट करो, हाँ जी हेलो, हाँ बोलिए, हेलो, हाँ बोला, हाँ खूप फॅन झालं सर, मी जॉईन झालो, मी थोडं उशिरा जॉईन झालो, हा हिंदी में बोला, हिंदी में एकदम छान वाटलं, म्हणजे हिंदी में बोला, हिंदी में सब क्या पूरे इंडिया के लोग है, मराठी समझते हैं। मैं अभी प्रोग्राम में था बाहर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, पर ज्वाइन लेट ज्वाइन होने के बावजूद भी मुझे जो सारांश उसका पता चला कि आपने जो 2-3 बार वही मुद्दे दोहराए कि भाई अपना मुद्दा 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक, तो एकदम एक पॉजिटिव के तरफ लेके जाने वाले मुद्दे है, और जरूर जो आपने जो लिया है सेमिनार, इसका फायदा हम लोगों को होने वाला है, निश्चित ही होने वाला है, और जो अर्निंग है लक्ष्मी माता हम मुझे आपके माध्यम से हमारे ऊपर सदैव बरसाती रहेगी, ऐसी अपेक्षा है। यस थैंक यू, कारण कि बहुत ही बढ़िया सर, मैं बहुत लेट, मुझे अभी 15 मिनट के बाद ज्वाइन हुआ मैं, अभी 15 मिनट पहले, लेकिन बहुत ही अच्छा आपके जानकारी के लिए, हम हर गुरुवार को
और हर शनिवार को 8:15 बजे प्रोग्राम लेते हैं, है ना, हर गुरुवार को और शनिवार को रात को 8:15 बजे। तो जरूर आप हमको मतलब लिंक भेजेंगे, और अभी जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप भेजा है अभी, वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप ज्वाइन कर लो, और आपके सभी आप इतने बड़े लीडर है अकोला के, सबको आप भेज दो तो सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, सबको फायदा हो, और ये फ्री प्रोग्राम है। चलेगा सर। नहीं, मैं रेगुलर आपका वो लिंक देखते रहता हूँ। हाँ, लिंक अपन प्रोग्राम में पहली बार ज्वाइन हुआ, अब रेगुलर गुरुवार और शनिवार ये दोनों दिन मैं आपके साथ में रहूंगा। यस, और बाकी लोगों को भेजो, आपके जो सर, हाँ सर, पार्टी वर्कर है सबको फायदा होगा, तो आपको धन्यवाद देंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। यस यस यस, प्रवीण जी आपको कुछ बोलना है? प्रवीण जी हमारे साथ में लीड करते रहते हैं, प्रवीण जी आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। बस सर यही बोलना है कि मेरे साथ में प्रवीण जी रहते हैं और आशा जी रहती है। आशा जी आज है कि नहीं मालूम, शायद नहीं है, आज नहीं है सर शायद। हाँ ओके, नहीं है। तो सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो अपना जो स्ट्रेस फ्री इंडिया का जो मिशन है ये पूरे इंडिया में फैलना चाहिए, और ये सभी जो पार्टिसिपेंट्स है ये अपने नियर एंड डियर को इसमें ऐड करते चले, जो टेलीग्राम ग्रुप भी है या व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसके द्वारा लोगों को ज्यादा से ज्यादा माहिती मतलब बोले, और उनको इसमें इस कार्यक्रम में जोड़े, ताकि स्ट्रेस फ्री इंडिया का जो हमारा सपना है वो पूरा हो जाए जल्दी सर। यस, और ये सब लोग आप अभी आज का आंकड़ा जो था वो करीब करीब 170-180 था, 190 तक गया था आज का आंकड़ा, और वो आपके वजह से हुआ। आप लोग शेयर करते रहते हैं लिंक, आप लोग एक दूसरे को भेजते रहते हैं लिंक, तो लोग आते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को शेयर करते जाइए और लोग आएंगे, आप भी आएंगे, अच्छा हो जाएगा। हमारे जो बैकग्राउंड में जो काम करते हैं बैक ऑफिस में, वो है पंकज और सनी, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ दोनों को, वो भी काफी पीछे मेहनत लेते हैं, मैं सामने हूँ तो वो पीछे है, तो उनको धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। थैंक यू। मेरे में सन्नी दिख रहे हैं वीडियो में, और पंकज आपका भी चेहरा बताइए, दर्शन दो लोगों को, है ना पंकज, वीडियो चालू करो। ये पंकज, ये सनी है, आपको दिख रहे होंगे सनी, और इधर पंकज दिख रहे हैं। पंकज कहाँ है आप? स्क्रीन पर। हाँ हाँ, आगे आगे आ गया, कहाँ है पंकज? हाँ अभी आ गए पंकज। यस, तो थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण जी, धन्यवाद डॉक्टर ओलंबी, धन्यवाद कांता मैडम, रंजना जी, सभी डॉक्टर रोहित थापर, फिर इधर तिवारी जी, सभी जो हमारे लोग हैं, अखिलेश तिवारी जी, सब लोग आते रहते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं शनिवार को, मिलेंगे। रमेश जी लड्डा, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।